राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से खींचतान होती हुई सामने नजर आ रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र की याद दिलाई है। इस पत्र में सचिन पायलट ने कहा है, राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतर्गत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप पड़े हैं, जो पीड़ादायी हैं। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। सचिन पायलट अपने पत्र में लिखते हैं, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है। पायलट पत्र में लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में MBC समाज को 5% आरक्षण देने का उल्लेख किया था। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में साल 2011 में ये समझौता भी हुआ था कि 4% अतिरिक्त पद MBC के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। मौजूदा वक्त में कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार एवं SBC के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार MBC के लिए 4% पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के 4% अतिरिक्त पद स्वीकृत करने तथा वर्तमान में चल रही भर्तियों में 4% अतिरिक्त पद विभागवार छाया पद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर बाकी भर्तियों में पूरा 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। सचिन पायलट ने यहां सीधे तौर पर कह दिया है कि जरूरी है वादा पूरा करना। कांग्रेस विधायक पायलट कहते हैं, GR खटाना का कहना है, वादा पूरा नहीं होने से गुज्जर समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उधर गुज्जर आरक्षण आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बेंसेला भी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।